Morning kids, today we will study EVS. So open your book. Our next chapter is chapter 6, life of animals. जानवरों की का जीवन, जंतुओं का जीवन. Warm up question is given. Bruno wants to eat the bone. Can you help him to find it? Bruno, ये dog हड्डी तक पहुंचना चाहता है, खाना चाहता है हड्डी को. क्या आप इसकी help करेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए? This is easy question. You can easily do it. So come to the next page. 234. Let's start the chapter. We have learned that we need food to grow and stay healthy. हमने ये सीखा कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. Like us, animals too need food to live. हमारी ही तरह जानवरों को भी आवश्यकता पड़ती है भोजन की जीवित रहने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, एंड स्टे फिट और हेल्दी स्टे और फिट रहने के लिए. There are many kinds of animals on the earth. पृथ्वी पर कई प्रकार के जानवर रहते हैं. दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. वे अलग अलग स्थान पर रहते हैं और अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. उनके खाने की आदतों के अनुसार जानवरों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. लेट अस रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, व्हाट दे ईट एंड वेयर दे लिव. चलिए पढ़ते हैं जानवरों के प्रकार के बारे में, क्या वे खाते हैं और कहाँ वे रहते हैं. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, खाना खाने की आदतें, जंतुओं के खाना खाने की आदतें. प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सबसे फर्स्ट है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, पौधे खाने वाले जंतु. सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास लीव्स एंड प्लांट्स. कुछ एनिमल्स, कुछ जंतु सिर्फ घास पत्तियाँ और पौधे ही खाते हैं. दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स. उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है और हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स उन्हें कहा जाता है. वे जानवर जो सिर्फ पत्तियां, घास और पौधे खाते हैं उन्हें पौधे खाने वाले जंतु कहा जाता है. और एक नाम दिया गया है उन्हें, हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स भी उन्हें कहा जाता है, यानी कि शाकाहारी जंतु. ठीक है, वी कैन अंडरलाइन दिस. सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास leaves and plants. They are called plant eating animals or herbivores animals. Goats, cows, buffaloes, rabbits, deer and horses are herbivores because they eat vegetables and leaves. बकरियाँ, गायें, भैंसे, खरगोश, हिरन और घोड़े, ये सभी herbivores कहलाते हैं क्योंकि ये सभी सब्जियाँ और पत्तियाँ खाते हैं. सभी examples herbivores के हैं. Here picture is given. Cows, sheep and goats are eating grass. We can see here picture. And it is a deer, it is eating grass. These are herbivores. Some herbivores like hens also eat grains. Kuch herbivores jaise ki murgi, wo kya khati hai? Dane. Inhe bhi, ye bhi kuch herbivores kya khate hai? Dane bhi khate hai. Jaise rabbit, here we can see picture of rabbit, it is eating carrot. Ye khargosh, ghas, khargosh, carrot kha raha hai. Kya kha raha hai? Gajar kha raha hai. Thik hai? Here it is a hen. हैन इज इटिंग ग्रेन्स. ये जो मुर्गी है ये क्या खा रही है? दाने खा रही है. कम टू द नेक्स्ट पेज. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाले जानवर. सम एनिमल्स हंट एंड ईट अदर एनिमल्स फॉर फूड. कुछ जंतु शिकार करते हैं एंड ईट और खाते हैं अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को. कुछ जंतु दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं फॉर फूड, उनके भोजन के लिए. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. उन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है और कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, मांस खाने वाले जंतु उन्हें कहा जाता है और एक नाम उन्हें दिया गया है कार्निवोर्स. सिर्फ वे जंतु जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांस खाने वाले जंतु या कार्निवोर्स. लायन, टाइगर, लेपर्ड, वॉल्फ एंड चीता आर कार्निवोर्स. हियर एग्जांपल्स आर गिवन. लायन शेर, टाइगर बाघ, लेपर्ड तेंदुआ, वॉल्फ भेड़िया एंड चीता और कार्निवोर्स. और ये चीता, ये सभी क्या हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स हैं. द एनिमल दैट दीज कार्निवोर्स हंट एंड ईट इज कॉल्ड प्रे. वह जानवर जो कार्निवोर्स जिनका शिकार करते हैं और खाते हैं उसे शिकार कहा जाता है, उसे प्रे कहा जाता है. वो जंतु जिसका कार्निवोर्स शिकार करते हैं उसे प्रे कहते हैं. नाउ आई नो. कोआला बियर इज ए हर्बीवोर. एक बियर है कोआला बियर, कोआला भालू, वो एक हर्बीवोर है. क्या है? वो एक शाकाहारी है. कोआला लव्स टू ईट लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्री. कोआला क्या पसंद करता है? यूकेलिप्टस ट्रीज
की पत्तियाँ खाना वो पसंद करता है। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स, द थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ जंतु बोथ ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं और अदर एनिमल्स भी खाते हैं अपने भोजन के लिए। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। ओमनीवोर्स मीन्स वे जंतु जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, ओमनीवोर्स। सर्वाहारी, मंकी बेयर एंड क्रो आर ओमनीवोर्स और ओमनीवोरस एनिमल्स। बंदर, भालू और कौवा, ये सभी ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सर्वाहारी जंतु इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी स्कैवेंजर्स, द स्कैवेंजर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये क्या खाते हैं, फ्लैश, मांस खाते हैं मरे हुए जंतुओं का, जो मरे हुए जानवर हैं उनकी, उनका ये मांस खाते हैं। वल्चर्स, हैनास एंड जैकल्स आर सम स्कैवेंजर्स। थ्री एग्जाम्पल्स आर गिवन, वल्चर्स गिद्ध, हैनास लकड़बग्घा, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैना, एंड जैकल सियार, ये सभी स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं स्कैवेंजर्स के। नाउ एनिमल होम्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल होम्स, जंतुओं का घर, जानवरों का घर। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स, जंतु जानवर अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों के घर, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स सच अस काउ, हॉर्स, डॉग, शीप एंड हैन हैव स्पेशल होम्स। जो हमारे पालतू जानवर जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, शीप, भेड़ एंड हैन, मुर्गी, इनके स्पेशल होम्स होते हैं, हमें पता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हॉर्स का पिक्चर है। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, स्टेबल, घोड़ा कहाँ रहता है, स्टेबल, अस्तबल में घोड़ा रहता है। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, डॉगी कहाँ रहता है, कुत्ता कैनल में रहता है। अ हैन लिव्स इन अ कूप, मुर्गी कहाँ रहती है, कूप में रहती है। अ शीप लिव्स इन अ पेन, शीप, ये भेड़ है, ये कहाँ पे रहती है, इसके जो रहने की जगह है उसे क्या कहा जाता है, पेन। अ काउ लिव्स इन अ शेड, काऊ, गाय कहाँ पर रहती है, शेड में रहती है, दिस इज अ शेड ऑफ अ काऊ। अ फिश लिव्स इन एन एक्वेरियम, मछली, ये एक्वेरियम में, यहाँ पर हम ये फिश देख सकते हैं, फिश रहती है एक्वेरियम में। पालतू मछली कहाँ, किस में रहती है, एक्वेरियम में रहती है। ओके, अप टू हियर वी फिनिश, थैंक यू।